अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलमी ख़बरों में मैं अज़र खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दिल्ली में लॉकडाउन 5 के दौरान मेट्रो खिदमत शुरू होने पर गौर। 31 मई को लॉकडाउन 4 ख़त्म हो रहा है और इसके साथ ही ये उम्मीद भी मजबूत हो रही है कि लॉकडाउन 5 का ऐलान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ मीडिया ज़राए का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसमें छूट कुछ ज़्यादा दी जाएगी। मोदी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने पर आज 30 मई को मोदी हुकूमत अपने दूसरी मुद्दतकार की पहली सालगिरह मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आवाम के नाम पर एक तवील ख़त लिखा, जिसमें गुज़िश्ता साल में किए गए कामों की तारीफ की गई। पीएम मोदी ने अपने ख़त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने, राम मंदिर तामीर का रास्ता हमवार होने, तलाक़ सलासा के खिलाफ अकदाम और शहरियत तरमीमी क़ानून को अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों में शुमार किया और आवाम से कहा कि वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस ख़त की कांग्रेस ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि इस वक्त गरीबों को ख़त नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत है, जो मरकज़ी हुकूमत नहीं दे रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर कैंसर के मर्ज में मुब्तला, एम्स में शरीक, आँखों का इलाज भी जारी। मध्य प्रदेश रियासत के शहर भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई है। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में जेरे इलाज है। अलावा अजीन वो अपनी आँखों का भी इलाज करवा रही है। बीजेपी के तर्जुमान राहुल कोठारी ने ये बात बताई। हैदराबाद का रामागुंडम स्टेट हाईवे राजीव राहदारी में टूल टैक्स फीस में इजाफा कर दिया गया है। नई शरहों का इतलाक 1 जून की निसफ शब से होगा। मुतालिका हुकाम के मुताबिक हर 2 साल में एक मरतबा टूल टैक्स की शरहों में इजाफा किया जाता है। हैदराबाद का रामागुंडम तक 3 टूल प्लाजा मिलते हैं, जिनमें सिद्दीपेट, करीम नगर और रामागुंडम शामिल हैं। कार के सिग्नल की टूल टैक्स फीस 68 रुपये है। 1 जून से ये फीस बढ़कर 87 रुपये हो जाएगी। इस तरह मनी मिनी बस और लाइट क्रेज व्हीकल की सिग्नल टूल टैक्स की फीस 117 रुपये से 175 रुपये कर दी गई है। शाह सलमान ने मस्जिद नबवी को आवाम के लिए दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। शाह सलमान ने इतवार से ही आवाम के लिए मस्जिद नबवी को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। इब्तदाई तौर में सिर्फ 40% लोगों को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। वंदे भारत मिशन के तहत रूस में फंसे भारतीयों को लेने जा रहे एयर इंडिया के जहाज़ के पायलट की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उड़ान आधे रास्ते से वापस लौट आई। इन दिनों सड़कों पर जंगली जानवरों का घूमना जैसे आम बात हो गई है। लॉकडाउन के चलते कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जानवरों को सड़कों पर टहलते हुए या आराम फरमाते हुए देखा गया है। हालांकि कई जगह जानवरों का आतंक भी देखने को मिला। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक से तेंदुए के एक शख्स पर हमले का मामला सामने आया है। CCTV में कैद हुई इस घटना में दिखाई दे रहा एक शख्स रास्ते से गुजर रहा है। इस बीच भागते हुए आए तेंदुए ने इस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने यहां 2 लोगों पर हमला किया है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं।